हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम के बारे में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, एक ओवरव्यू देना बनता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि टीडीएस की एंट्री बिना किसी एरर के हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एरर पॉसिबली हो सकता है, और इसकी रिपोर्टिंग हम टैली प्राइम में कहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बिना पैन के अगर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो उसका टीडीएस का रेट क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक क्रिएट कर लो कंपनी। तो क्रिएट कर लेते हैं कंपनी, मैं नाम भी लिख देती हूँ, टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्रिएट कर दिया। स्टेट हमारा ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल होगा। ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम आप देख सकते हैं। कंट्रोल ए कर देते हैं। अब जीएसटी और टीडीएस को आप अनेबल कर सकते हैं। जीएसटी अनेबल हो चुका है, यस किया हुआ है। इसमें जीएसटीएन नंबर आपको देना है। अभी के लिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोकस मेन टीडीएस पे है। अब हम टीडीएस में जाते हैं। ये सारी चीजें, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये आपको देना है। डिडक्टर टाइप कौन है? डिडक्टर मतलब जो डिडक्ट कर रहा है वो कौन है, क्या कंपनी है या इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया। और उसके बाद सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे डायरेक्टर के केस में, तो सॉरी कंपनी के केस में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और वो जो डिटेल्स है आपके चालान फॉर्म्स और रिटर्न्स पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन के बारे में। अगर आपको याद हो तो कमीशन का लिमिट 15,000 है और रेट 5% है। तो कैसे उसकी एंट्री होगी देखते हैं। सबसे पहले आप वाउचर में जाइए। वाउचर में आपको जर्नल वाउचर में जाना है। जर्नल का शॉर्टकट F7 है। मैं 1 अप्रैल 2023 में ही एंट्री कर रही हूँ। सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस नंबर अगर आपको एनेबल करना है तो F12 से आप एनेबल कर सकते हैं। तो मैं एक बार रेफरेंस नंबर दे देती हूँ और डेट दे देती हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट करना है कमीशन अकाउंट। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन अकाउंट जो है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। अगर आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। अब जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सर्विस लिखते हैं और यहाँ पर आपको एसएससी कोड जो है वो देना है। मैं एक बार के लिए कुछ भी दे रही हूँ क्योंकि ये सर्विस है, तो सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको देना है। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल करना है। रिवर्स चार्ज तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट या इनएलिजिबल आईटीसी भी नहीं है। यहाँ पर रेट आप 18% दे दो और कंट्रोल ए कर दो। फिर यहाँ पर इस टीडीएस एप्लीकेबल तो आपको बताना पड़ेगा स्पेस मार के कि यार ये तो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो आपको बनाना पड़ेगा नेचर ऑफ पेमेंट, ऑल्ट सी करो। ठीक है, जल्दी से हेल्पर के पास जाओ। अगर आपका टैली प्राइम गोल्ड है तो आपका हेल्पर खुलने में बहुत आसानी रहेगी। तो हेल्पर में जाने के बाद वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, तो आप 194H में चले जाओ। ठीक है, पेमेंट कोड वगैरह आप डाल सकते हैं। इस ट्रांसपोर्टर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, ये सब नो कर सकते हैं, जैसे नॉन रेसिडेंट नो। सिंगल बिल में कुछ लिमिट नहीं होता, एग्रीगेट एक साल में लिमिट होता है 15,000। अगर विद पैन है तो आपका 5% डिडक्ट होगा, विदाउट पैन 20%। ठीक है, तो यहाँ पर हम 15,000 जो है लिख देते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने कमीशन और ब्रोकरेज का जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो बना दिया है। कंट्रोल ए करते हैं, सिंपली एंटर करते हैं। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मैं 15,000 से ऊपर डाल रही हूँ ताकि मेरा टीडीएस डिडक्ट। अब डेबिट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा वो, और ये जीएसटी में जाएगा सेंट्रल टैक्स में। काफी लोग ये गलती करते हैं, इस टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पर कुछ भी नहीं करते।
आपको नॉट एप्लीकेबल करना, क्योंकि आपका रिटर्न फिर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो आपको नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर ऑल्ट सी से कैलकुलेटर को खोलना है और 17,000 का कितना परसेंट करेंगे आप, 9% आपको करना है। तो 1530 आ चुका है। अब डेबिट करेंगे हम इनपुट एसजीएसटी को। इनपुट एसजीएसटी हमें ऑल्ट सी करके बनाना पड़ेगा, इनपुट एसजीएसटी, और ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस और जीएसटी स्टेट टैक्स। और यहाँ पर भूलना बिल्कुल भी मत नॉट एप्लीकेबल टीडीएस को कर देना, ठीक है। 1530 कर देते हैं। अब हम बनाएंगे कि कमीशन को आखिर मुझे किसको देना है, तो ऑल्ट सी करके हम रोहन राज को दे रहे हैं सपोज, ठीक है। वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है, तो ऑल्ट सी करके आप एक नया बना सकते हो, लेजर सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, या लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस भी बना सकते हैं, बेटर रहेगा, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, ठीक है। अब ये आएगा आपका करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। तो ऐसे मैंने बना दिया है। अब सिंपली मेंटेन बिल बाय बिल अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टीडीएस क्या डिडक्टेबल है? यस, ये डिडक्टेबल है। अब ट्रीट एज टीडीएस एक्सपेंस, क्या उसको एक्सपेंस के तरह ट्रीट किया जाए? नहीं। डिडक्टी टाइप क्या है? डिडक्टी टाइप वो इंडिविजुअल और रेसिडेंट है, इंडिविजुअल या एचओएफ रेसिडेंट, ठीक है। टीडीएस इन सेम वाउचर, अब ये जो है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर मैंने नो किया है, इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि टीडीएस इन सेम वाउचर को मैंने नो क्यों किया है, क्या रीजन है कि हम सेम वाउचर पे टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं नो लिख रही हूँ, तो आपको भी नो रखना है। अब एंटर एंटर करके सबसे पहले तो इसका पैन नंबर दे दो। अगर पैन नंबर नहीं देते हो आप तो टीडीएस हायर रेट में डिडक्ट होगा। तो मैं एक बार ऐसे ही पैन नंबर दे दे रही हूँ, ठीक है। तो पैन नंबर मैंने दे दिया है, जीएसटीएन नंबर, सिंस ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो आपको जीएसटीएन नंबर भी देना है। अभी के लिए मैं नहीं दे रही हूँ, कंट्रोल ए करते हैं। तो कंट्रोल ए हमने कर दिया है, और यहाँ पर आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछा जा रहा है कि भैया एडवांस है या अगेंस्ट रेफरेंस है या न्यू रेफरेंस। नया बिल बन रहा है तो न्यू रेफरेंस होगा, तो वही रेफरेंस नंबर जो मैंने यूज किया था ये ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लिया, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर लिया। तो अब नरेशन तो देना मत भूलना, बीइंग कमीशन पेबल टू रोहन राज, ठीक है। तो ऐसे हमने पूरा काम कर लिया। अभी भी बाकी है, क्या बाकी है? मैंने एंट्री तो कर दी, अब क्या करना होगा? टीडीएस काटना होगा। तो टीडीएस काटने की जो एंट्री है वो करना पड़ेगा। तो आगे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसका टीडीएस काटना है? रोहन राज का। एक बार मैं 1 रुपया लिख रही हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। अगेंस्ट रेफरेंस होगा ऑब्वियसली, किसी बिल के अगेंस्ट में हम टीडीएस काट रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस होगा। और यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है, एक नया लेजर बनाना है, टीडीएस पेबल ऑन कमीशन, ये आपको बनाना है। ये कहाँ पर आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका आएगा। ये आपका टीडीएस है, कमीशन और ब्रोकरेज का नेचर ऑफ पेमेंट है। कंट्रोल ए करिए, अगेंस्ट रेफरेंस देखिए दिखा रहा है कि आपने जो जर्नल एंट्री किया था वहां उसके अगेंस्ट में आपको करना है। और 5% के हिसाब से टीडीएस जो है कट गया है, 20% टीडीएस कटता अगर पैन नंबर नहीं देते तो, ठीक है। तो ऐसे मैंने टीडीएस काट लिया है। और यहाँ पर आपको बैकस्पेस करके 850 देना है, तो बैकस्पेस कर दो भाई, और 850 देना है। तो ऐसे मेरी टीडीएस की एंट्री जो है वो अलग से वाउचर में हो गई, बीइंग टीडीएस पेबल, ठीक है। तो ये तो मैंने कर दिया, एक बार इसका इफेक्ट देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। पहले डी ए एल करेंगे। डी ए एल बेसिकली हम लेजर को देख रहे हैं रोहन राज की। तो रोहन राज की लेजर में दो चीज आपको दिखेगा, एक तो आपको कमीशन दिख रहा है और एक टीडीएस आपको दिख रहा है। तो दो चीज आपको रिफ्लेक्ट होगा, ओके, कि आपका टीडीएस कितना कटा, फिर वो आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो दिखेगा, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं? डीओटी, डीओटी में आप जाओगे तो टीडीएस का रिपोर्ट, डीओटी। तो 26Q में आप जाओगे, आप यहाँ पर देखिए कि डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट में मेरा टीडीएस कटा है, असेसेबल वैल्यू 17,000 है, टैक्स 850 मेरा जो है वो डिडक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 850 मेरा जो टैक्स है वो डिडक्ट हुआ है।
कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में थोड़ी गड़बड़ी करते और वहां पर अनडिफाइन कर देते टीडीएस एप्लीकेबल को, नॉट एप्लीकेबल नहीं करते, तब प्रॉब्लम होता। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। और एक एंट्री करके दिखाती हूँ मैं आपको, वाउचर में जाइए। ओके, अब रेफरेंस नंबर हम डालते हैं। ट्वेंटी थ्री गलत डाल दिया मैंने रेफरेंस, ठीक है चलता है अभी के लिए। एक बार मैं बैक स्पेस करके वापस से सही रेफरेंस नंबर डाल देती हूँ, 23, 24। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमको एक ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा कमीशन, ठीक है। यहाँ पर हम सेम 17,000 के अमाउंट का ही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, कैसे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डेबिट हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 1530 और डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, 1530। अब क्रेडिट हम करेंगे राजन दी को सपोज, और वो जाएगा मेरा लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस में, ठीक है। अब टीडीएस डिडक्टेबल है, यस। डिडक्टी टाइप कौन है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सेम वाउचर में डिडक्ट करना, मैं यस लिख देता हूँ। मैं भाई इसी वाउचर में करूंगी, मैं अलग से एंट्री नहीं मारने वाली, ठीक है, तो यस कर देते। सेम वाउचर, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसका पैन नंबर मैं नहीं दे रही, ठीक है। अब पैन नंबर मैं नहीं दे रही हूँ तो ऑब्वियसली 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। कंट्रोल ए करते हैं, देखिए डिडक्ट हो चुका है और सेम वाउचर में ही डिडक्ट हुआ है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2660 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 16,660। तो न्यू रेफरेंस आप कर दोगे, ठीक है, तो ऐसे आपने न्यू रेफरेंस में 16,660 जो है वो लिख दिया, ठीक है। और फिर आप क्रेडिट क्या करोगे, टीडीएस पेबल ऑन कमीशन को आप क्रेडिट कर दोगे। तो ऐसे मैंने क्या किया, राजन दी को क्रेडिट किया और टीडीएस पेबल और कमीशन को जो है क्रेडिट कर दिया 3,400 से। अब ये टीडीएस कितना कटा है, अगर आप देखो तो 3,400 कट गया। मतलब कंट्रोल एन कर दी हूं मैं एक बार कैलकुलेटर खोलने के लिए, तो यहाँ पर 17,000 × 20% अगर आप करते हो तो आपका 3,400 होता है, मतलब हायर रेट में टीडीएस कटा है। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अगर आप पैन नंबर नहीं डालोगे तो आपका टीडीएस जो है वो हायर रेट पे कटेगा, और मैंने सेम वाउचर में ही टीडीएस काटा है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, थोड़ा देखते हैं, कंट्रोल ए करते। अभी देखते हैं DAL, राजन दे। अब राजन दे का जो है आपको बैलेंस दिखा रहा है 16,660, ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यार ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है, अब क्यों 16,660, इसका टीडीएस कटा है या नहीं कटा वो ही नहीं पता चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग वेदर उसका टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि ये जो टीडीएस पेबल ऑन कमीशन है वो राजन दे से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर दिखाया नहीं गया, इस वजह से राजन दे का खाली बैलेंस ही शो कर रहा है 16,660, क्योंकि एक एंट्री मैंने मार दिया, एक एंट्री में मैंने टीडीएस काट दिया इस वजह से। तो ये प्रॉब्लम होगा कि पहले उसका कितना बैलेंस था, कितना मैंने टीडीएस काटा, वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि सेम वाउचर में एंट्री मत करो, दूसरे वाउचर में एंट्री करो। अब हम DOT में जाते हैं, DOT 26Q में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में जा चुका है ये, पैन नॉट अवेलेबल। सीन्स पैन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल आप करना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। तब यहाँ पे देखिए हायर रेट डिडक्शन एट हायर रेट, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में ये इसलिए आ रहा था क्योंकि वो बता रहा है कि भैया इनका पैन अवेलेबल नहीं है, आई एम डिडक्टिंग एट हायर रेट, सो यू नीड टू कंफर्म इट कि हाँ इनका पैन अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में देखिए हायर रेट में उसका टीडीएस कट रहा है, ओके, और यहाँ पर दिखा भी रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट था, जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच।